कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम् कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम् ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे गेहे गेहे संस्कृतम् कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम् कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम् सरला भाषा मधुरा भाषा दिव्य भाषा संस्कृतम् सरला भाषा मधुरा भाषा दिव्य भाषा संस्कृतम् मुनिजनवाणी कविजनवाणी प्रियजनवाणी संस्कृतम् कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम् कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम् वसतो वसतो रामचरितम् प्रियजन भाषा संस्कृतम् वसतो वसतो रामचरितम् प्रियजन भाषा संस्कृतम् स्थाने स्थाने भारत देशे सदने सदने संस्कृतम् कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम् कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम् जनवांचा कवि जनवांचा प्रिय जनवांचा संस्कृतम् मुनि जनवांचा कवि जनवांचा प्रिय जनवांचा संस्कृतम् वदने वदने कार्यक्षेत्रे वार्तालापे संस्कृतम् कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम् कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम् ग्रामे ग्रामे नगरे नगरे गेहे गेहे संस्कृतम् कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम् कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम् कालिदासो जने जने कंठे कंठे संस्कृतम् प्रणाम नमस्ते। मैं वैद्य अरविंद पाठक पुणे महाराष्ट्र से। आज मैं आप लोगों को जो हृदरोग वाला जो हमारा है पार्ट टू वह बताने के लिए आया हूँ। लेकिन उसके पहले आज रक्षाबंधन भी है, तो रक्षाबंधन के दिन ना हम लोग ना सभी को ना बधाई भी दे देते हैं, क्योंकि हम लोग कैसे हम लोग मतलब वैद्य है तो हमें ना एक दूसरे को बहुत ज्यादा सपोर्ट भी करना है, रेस्पेक्ट भी करना है। तो इसलिए ना रक्षाबंधन के उपलक्ष्य में मैं आप लोगों को कुछ चीज सुनाता हूँ, वो पहले सुनिए, फिर उसके बाद में हम लोग अपना जो सेशन है वो कंटिन्यू करेंगे। एक मिनट रुक जाइए बस।
हम लोग ना पढ़ाई पे आते हैं अभी अभी जितने भी आयुष दर्पण की बहने लोग हैं उनको हम ये प्रतिज्ञा करते हैं, खासकर मैं प्रतिज्ञा करता हूँ कि आप लोगों का प्रैक्टिस बढ़ेगा और जितना भी मेरे तरफ से होगा मैं आप लोगों को पढ़ाई में सपोर्ट करूंगा। एक बार आप लोग देखिए कि ये जो संस्कृत दिवस है ये सही दिख रहा है कि उल्टा दिख रहा है, एक बार आप लोग चेक कर लीजिएगा। सही दिख रहा है सर, ठीक है। बहुत बढ़िया दिख रहा है भाई जी, बहुत बढ़िया दिख रहा है जी। तो अभी सभी को शुभकामनाएं देते हुए हम लोग आगे बढ़ते हैं। तो हृदरोग, हृदरोग पे हम लोग पढ़ते हैं, आप लोग म्यूट रखिएगा जब तक मैं पढ़ा रहा हूँ, तब तक म्यूट रखिएगा। हमारे पास ना ऐसे पेशेंट आते हैं कि जिनको ना जैसे ये सर्जरी हो गया, मतलब एंजियोप्लास्टी हो गया, तो उसके बाद में ब्लड थिनर मेडिसिन दिया जाता है एलोपैथी का, जैसे इकोस्प्रिन दिया जाता है, वारफरिन दिया जाता है। तो ऐसा बहुत बार प्रश्न होता है कि आयुर्वेद में क्या है, आयुर्वेद में हम लोग क्या दे सकते हैं ब्लड थिनर। तो उसके लिए ना मेरे जो आदरणीय गुरुजी हैं वैद्य समीर जमदग्नि सर, उन्होंने बहुत सारा मेडिसिन कंपाइल किया है और वह नोट्स के रूप में है, या मैं आप लोगों को कभी तो दूंगा, जब भी मौका मिलेगा सब लोगों के पास ये सारे नोट्स आ जाएंगे। तो अभी पहले आप लोग सुन लीजिए, तो ब्लड थिनर क्या मेडिसिन आयुर्वेद की जड़ी बूटियां हैं उसके बारे में मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो रक्त संघात भेदकर औषधि इस तरह से बताया है, और या फिर क्लॉट हो गया है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस जैसी कंडीशन आ गई है, क्लॉट फॉर्मेशन हो गया है, या फिर ब्लॉकेजेस हो गए हैं, उस सब में क्या होता है कि पिछिलता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है, स्निग्धता बहुत ज्यादा बढ़ जाती है रक्त में। तो वहां पर तिक्त रसात्मक और कटु रसात्मक मेडिसिन का योजना करने से बहुत अच्छा फायदा होगा। मेन क्योंकि हम लोग आम उत्पत्ति इस तरह का हम लोग मानते हैं कि वहां पर ब्लॉकेजेस है, मतलब वहां पे आम उत्पत्ति है और कोरोनरी आर्टरीज में ब्लॉकेजेस हो गए हैं। इसी तरह से ऐसा बता रहे हैं कि जो बकरा रहता है, जो लोग नॉनवेज खाते हैं उनके लिए कि जो बकरा रहता है उसका सुप्रा रिनल ग्लैंड जो रहता है, जो किडनीज के ऊपर एक ग्लैंड रहता है जिसको उपवृक्क ग्रंथि बोलते हैं, उसको लेना है और ये मिल जाता है जहां पर भी मुस्लिम लोग जो रहते हैं, जो कसाई लोग रहते हैं जो नॉनवेज देते हैं उनसे ले लेना है। सुप्रा रिनल ग्लैंड जो है किडनी के ऊपर रहता है उसको लाना है और सुखा देना है और पीस देना है, और उसकी ना छोटी छोटी एक गुंजा मात्रा में गोली बनाना है, और वह अगर देंगे ना तो ये ब्लड थिनर के लिए बहुत अच्छा काम करता है। इसी तरह से जितने भी प्राणी हैं जो खाए जाते हैं तो उनका जो पित्त रहता है, गॉल ब्लैडर का पित्त रहता है, जैसे गाय को मारा जाता है तो उसका पित्त रहता है गोरोचन जिसको बोलते हैं, या फिर मछली का पित्त रहता है कॉड लिवर ऑयल जिससे बनता है तो वो ले लिया, या बकरे का जो पित्त होता है पित्ताशय में वह भी ब्लड थिनर के रूप में बहुत अच्छा फायदा रहता है, और वह बहुत अच्छा मतलब ब्लड को अगर क्लॉटेज क्लॉट हो गया है तो वो उसको डिजोल्व कर देता है। उसी तरह से अब वेजिटेरियन चीजों में आते हैं तो आयुर्वेद में सुश्रुत संहिता अगर खोलेंगे तो उसमें ना 37th चैप्टर में गण वाला बताया है, तो उसमें सुरसादी गण बताया है। सुरसा मतलब तुलसी, तुलसी आदि जो मेडिसिन है सुरसादी गण उसका काढ़ा अगर पिला देंगे ना तो बहुत अच्छा फायदा होता है ब्लड थिनर के रूप में, और ये कंटिन्यू लाइफ लॉन्ग भी अगर दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा होगा। इसी तरह से कुछ तिक्त स्कंद के दवाइयां हैं जो मैं आप लोगों को बता रहा हूँ जो आप लोगों को बहुत फायदा होगा। तो उसमें बता रहे हैं कि पिपली तिक्त और कटु स्कंद की दवाइयों में से जो कलेक्शन हमारे सर ने किया है, और ये केवल ऐसे ही नहीं कि कलेक्शन किया है, इसको करोड़ों लोगों में सर ने दिया है अपने प्रैक्टिस में, सर का इतना साल का प्रैक्टिस है और उनके 45,000 जो स्टूडेंट्स हैं उन लोगों ने अपने अपने पेशेंट्स को दिया है। तो ये जो मेडिसिन है ये सभी में कारगर होता है, जिसका भी क्लॉट है या ब्लॉकेजेस है, आर्टेरियोस्क्लेरोसिस स्क्लेरोसिस है, प्लेक फॉर्मेशन है, कैल्सिफिकेशन है, रक्त में कहीं पर भी डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, जहां पर भी क्लॉट फॉर्मेशन है उन सब में भी इसका प्रयोग किया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। तो इसमें क्या क्या दवाइयां आते हैं वो मैं बता रहा हूँ। तो पिपली है, पिपली मूल है, गज पिपली है, अजवाइन है, चव्य, अदरक, कुष्ठ, भल्लातक, लहसुन, शिग्रू और तुलसी। एक बार मैं फिर से बोलता हूँ, ये आप लोग सुन लीजिए, लिख लीजिए, आप लोग अपने पेशेंट को दीजिए जो भी ब्लॉकेजेस के पेशेंट आते हैं, और ये मत सोचिए कि आयुर्वेद में दवाइयां नहीं है, आयुर्वेद में बहुत अच्छी दवाइयां हैं और सेफ दवाइयां हैं जो बॉडी को अच्छा करती है। जो आप इकोस्प्रिन खाएंगे, ब्लड थिनर खाएंगे लेंगे, या फिर वारफेरिन जैसी दवाइयां लेंगे, उससे ना साइड इफेक्ट होता है, अगर क्लॉट हो गया तो बंद ही नहीं होता, मतलब अगर कट गया तो वो बंद ही नहीं होता, कंटिन्यू ब्लीडिंग होते रहती है। या फिर जैसे वो डॉक्टर गौरी जी का कल सासू माँ का था कि एक जलौका ने काट दिया तो फिर पूरा विषारी दुष्परिणाम होने लगा, तो हो सकता है कि ब्लड थिनर भी चल रहा होगा बॉडी में। तो उन सबसे अच्छा है कि ये सारी दवाइयां है ना ये सेफ मेडिसिन है। मैं फिर से बोलता हूँ आप लोग देखिए, तो पिपली है, पिपली मूल है, गज पिपली है, अजवाइन है, चव्य है, अदरक,
कुष्ठ, भल्लातक, लहसुन, शिग्रू और तुलसी, इसका क्वाथ बनाइए या अलग अलग विधि से आप लोग प्रयोग कर सकते हैं, क्वाथ से, स्वरस से। जैसे जिसको भल्लातक नहीं सूट कर रहा, पित्त प्रकृति, उनको ना दे, जिसको सूट करे उनको दे, लहसुन दे, शिग्रू दे, तुलसी दे। यह बहुत अच्छा ब्लड थिनर है और बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, 2-3 महीना अगर देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पूरे संहिताओं में जो कटु स्कंद बताए हैं, तिक्त स्कंद बताए हैं, वह भी बहुत अच्छा फायदा करता है। देखिए गौतम जी ने लिख भी दिया, वो कितना फास्ट समझ भी रहे हैं, लिख भी रहे हैं। तो कटु और तिक्त स्कंद की दवाइयां जितनी भी हैं, वह सारी द्रव्य जो अपने वाग्भट में बताया है, चरक संहिता में बताया, सुश्रुत संहिता में बताया, उनका अगर क्वाथ बना के दे दिया जाए तो बहुत ही अच्छा। आम का पचन करते हैं और स्थूल और सूक्ष्म अग्नि है उनका भी, उनको प्रदीप्त करके जो सूक्ष्म आम रूप में जो ये विकृति हुई है उसको भी ठीक कर देते हैं। उसी तरह से भैषज रत्नावली नाम का जो ग्रंथ है उसमें कुछ कुछ मेडिसिन है जो आप लोगों को मैं बता रहा हूँ, वो आप लोग लिख लीजिए। जो गौरव जी आप नोट्स बना रहे हैं तो आप करिए और ये ग्रुप में भी करिएगा। तब्रेज जी बोल रहे हैं कितना कितना लेना है, ये जैसे लेना है ना, तो कितना आप लोग क्वाथ लेते हैं तो 45 ml लेते हैं, स्वरस लेते हैं तो 2 चम्मच लेते हैं, वो तो आप डिसाइड कर सकते हैं पेशेंट का, अग्नि के हिसाब से, प्रकृति के हिसाब से, बल के हिसाब से। लेकिन ये द्रव्यों से 100% रिजल्ट आता है और सेफ मेडिसिन है, कभी साइड इफेक्ट नहीं हुआ है इनका। और बिफोर ट्रीटमेंट और आफ्टर ट्रीटमेंट भी देखा गया है, एनालिसिस किया गया है, 100% फायदा होता है। और पेशेंट का जो है स्टैंड बिठाओ, एंजियोग्राफी करके एंजियोप्लास्टी करो, उसके बाद में फिर ब्लॉकेजेस होते हैं, फिर और कॉम्प्लिकेशन, पूरी लाइफ लॉन्ग इकोस्प्रिन खाना पड़ता है, वारफरीन खाना पड़ता है, बीपी की दवाइयां खाना पड़ता है, उससे अच्छा ये है हमारा। सबको कितना कितना मिलाना है, सबको समान मात्रा में लेना है और इसको कम ज्यादा भी कर सकते हैं। जैसे किसी को भल्लातक देना है और भल्लातक से मुंह में छाले आ रहे हैं तो उसको कम कर दीजिए या फिर भल्लातक ना दीजिए। ये सब दवाइयां हैं, ओवरऑल बताइए हर पेशेंट पेशेंट में, हमें अपने बुद्धि से उसका यूज करना है। उसी तरह से भैषज रत्नावली में कुछ मेडिसिन है, गौतम जी आप लिखते जाइए और फिर यहां दीजिएगा और ग्रुप में भी डालिएगा। तो है त्रिपुर भैरव रस, भैषज रत्नावली में त्रिपुर भैरव रस है। आप लोग के पास भैषज रत्नावली है ना, उसका लास्ट में इंडेक्स है तो उसमें सारे मेडिसिन का अ आ ई ऐसे इंडेक्स में दिया है। तो त्रिपुर भैरव रस उसके कंटेंट्स देखिए, वो हार्ट के ब्लॉकेजेस में 100% काम करता है। इसी तरह से विश्वेश्वर रस है, वह भी ब्लड थिनर है और क्लॉट में और आर्टेरोस्क्लेरोसिस में, फिर उसके बाद में प्लेक फॉर्मेशन, कैल्सिफिकेशन, ब्लॉकेजेस में, कोरोनरी आर्टरी के ब्लॉकेजेस। हमारे पास पेशेंट आते हैं 90% ब्लॉकेज है, ये इतना ब्लॉकेज है, उतना ब्लॉकेज, डीवीटी है, डीप वेन थ्रोम्बोसिस है, वो सारे, या एन्यूरिज्म जब हो जाता है, मतलब जो आर्टरीज वेन्स जो रहती है ना वो बबल जैसे बन जाती है, विकृत हो जाते हैं, उन सब में भी ये मेडिसिन जो है, ये कुछ तो रसकल्प है और कुछ चूर्ण है वो मैं बता रहा हूँ। तो विश्वेश्वर रस का भी प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से विद्याधराभ रस, उसका भी प्रयोग करने से अच्छा होगा। आगे आने वाले में सेशन में ये सारे मेडिसिन के बारे में डिटेल में और बताऊंगा, अभी जितना है वो याद रख लीजिए। विद्याधराभ रस अच्छा है। फिर हृदयार्णव रस, वह भी बहुत अच्छा काम करता है। बहुत सारे पेशेंट में जिनको बाईपास हो गया और फिर वो साइड में वो बन नहीं रहता, आर्टरीज वेन्स मतलब अच्छे नहीं थे, उनमें भी बाईपास करने के बाद भी वह साइड के जो रहती है आर्टरीज वो अच्छी हो गई और वहां से ब्लड सर्कुलेशन होने लगा, हृदयार्णव रस का बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। इसी तरह से भैषज रत्नावली में एक हरित क्यादि चूर्ण है, उसका भी बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। कल्याण सुंदर रस, यह भी बहुत अच्छा काम करता है। फिर प्रभाकर वटी, प्रभाकर वटी में ये अभ्रक भस्म है, वह हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है और श्रृंग भस्म भी है, तो प्रभाकर वटी अच्छा है। चिंतामणि रस, वह भी अच्छा है, जो श्वासकाश रोगाधिकार में बताया, चिंतामणि रस नहीं, हृदय रोग में बताया है, श्वासकाश में इलाद्य रिष्ट बताया, वह भी बहुत अच्छा काम होता है। चिंतामणि रस हृदय रोगाधिकार में बताया, वह दे सकते हैं। फिर स्थौल्यता में और हृदय रोग में अर्जुना रिष्ट बताया है, वह भी बहुत अच्छा काम करता है। कोलेटरल फॉर्मेशन, हाँ मुझे वो शब्द याद नहीं हो रहा था, कोलेटरल फॉर्मेशन जो है ये सारी मेडिसिन करते हैं। फिर उशिरासव बहुत अच्छा काम करता है, जो ग्रहणी और हस्त पाद तल दाह में उशिरासव बहुत अच्छा काम करता है। फिर रोहितकाद्य रिष्ट जो है, जो यकृत और प्लीहा की विकृति और हार्ट के प्रॉब्लम्स हैं, क्योंकि रक्त वस्त्रोतस के मूल स्थान क्या है, यकृत और प्लीहा है, तो प्लीहा में कुछ डिफिकल्टी है, प्रॉब्लम आ रही है, तो रोहितका रिष्ट बताए उसी का, वह रक्तगामी अगर हमें हार्ट को अच्छा करना है तो हम लोग रोहितकाद्य रिष्ट देते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है। मैं फिर से एक बार फिर से रिपीट करता हूँ, आप लोग फिर से सुनिए। त्रिपुर भैरव रस बहुत अच्छा काम करता है, विश्वेश्वर रस अच्छा काम करता है, विद्याधराभ रस अच्छा काम करता है, हृदयार्णव रस अच्छा काम करता है,
हरित क्याधि चूर्ण अच्छा काम करता है, कल्याण सुंदर रस अच्छा काम करता है, प्रभाकर वटी अच्छा काम करता है, चिंतामणि रस अच्छा काम करता है, एलाद्य रिष्ट जो श्वास का रोगाधिकार में, एलाद्य रिष्ट फिर स्थौल्य रोगाधिकार और हृदय रोगाधिकार में अर्जुना रिष्ट है वह अच्छा काम करता है, उशिरासव अच्छा काम करता है, रोहित का रिष्ट अच्छा काम करता है। अब आगे जो आ रहे हैं जो ऐसे डिजीज आ रहे हैं जो बहुत ही ऐसी बीमारियां हैं जिस पर एलोपैथी में कोई इलाज नहीं है वह आयुर्वेद में है, तो जैसे कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, हार्ट जो रहता है ना वो बहुत ज्यादा थक जाता है, बूढ़ा हो जाता है और उसका पंपिंग एक्शन स्लो हो जाता है, तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट लेफ्ट वेंटिकुलर फेलियर में जाते हैं या राइट वेंटिकुलर फेलियर में जाते हैं या सीसीएफ में जाते हैं, मतलब पूरा कंजेस्टिव कार्डियो फेलियर ऐसे कंडीशन में जाते हैं, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर या कंजेस्टिव हार्ट कार्डियक फेलियर सीसीएफ में जो जाते हैं, एलवीएफ में जाते हैं, आरवीएफ में जाते हैं, तो एलोपैथी में तो कोई भी इलाज नहीं है, वो बस बोलते हैं कि आप ये दवाई खाइए, मतलब डिजिटलिस की कुछ कंपाउंड्स देते हैं, डिजिटलिस खाइए और प्राणायाम वगैरह करिए, उसके बाद उनके पास कुछ भी नहीं है, वो केवल हृदय को उत्तेजना देने वाला होता है। आयुर्वेद में दो तरह की कंडीशन हम लोग देखते हैं, एक तो सेटल हुए पेशेंट और एक अटैक जब आया है, क्योंकि हार्ट अगर बंद हो जाएगा तो हार्ट अटैक आ जाएगा, हार्ट बंद हो जाएगा पूरा, तो सेटल हुए पेशेंट और या फिर अटैक में आए हुए पेशेंट, इन तरह से दो देखते हैं और हेतु देखते हैं। तो वेंट्रिकल्स में कभी कभी ब्लड क्लॉट फॉर्मेशन हो जाता है या विष का प्रभाव हो जाता है, कोई ना कोई पॉइजनिंग का इफेक्ट होता है या आमवाद की वजह से भी ये कंजेस्टिव हार्ट फेलियर होता है, कार्डियक फेलियर होता है, या फिर कंटिन्यूस अगर हाइपरटेंशन का पेशेंट है वह भी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर में जाता है, या फिर प्रोसीजर्स कोई हो रहे हैं, ऑपरेशन हो रहा है, ओपन हार्ट सर्जरी हो रहा है या स्टेंट बटा रहे हैं, एंजियोप्लास्टी कर रहे हैं, एंजियोग्राफी कर रहे हैं, उस टाइम पे भी ये प्रॉब्लम हो सकती है, कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के कंडीशन हो सकते हैं, या फिर डायूरेटिक्स जो फ्रूसेमाइड लैसिक्स वगैरह बहुत ज्यादा कंटिन्यू दिया जाता है, किडनी के पेशेंट को बहुत ज्यादा दिया जाता है, तो उसका भी साइड इफेक्ट के रूप में कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो जाता है। और इसमें पहले क्या होता है कि राइट वेंट्रिकल पहले खराब होता है, बाद में लेफ्ट वेंट्रिकल खराब होता है, तो इसमें लक्षण क्या होते हैं वह जानना बहुत जरूरी है, और आयुर्वेदिक चिकित्सा किस तरह से सफल होती है वह जानना भी बहुत जरूरी है। तो इसमें क्या होता है कि लक्षण कार्डियक कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जब रहता है, हार्ट का पंपिंग जो रहता है वो हार्ट बूढ़ा हो जाता है, वो पंप अच्छे से नहीं कर पाता, थका हुआ रहता है, इसमें सकष्ट श्वसन दीर्घ श्वास रहता है ऐसा कंडीशन आता है, और जो चेहरा रहता है वो काला काला पड़ जाता है क्योंकि ब्लड पंपिंग अच्छे से नहीं हो पा रहा है, फिर जो ये गले में आंखों में रक्त वाहिनियां जो रहती है वो बहुत ज्यादा डायलेट और रेडनेस बहुत ज्यादा आ जाता है, आंखों में पूरा कंजक्टिवा है ना वो स्क्लेरा जो है ये पूरा रेड रेड हो जाता है, और गले में भी ऐसे लगता है कि बहुत ज्यादा प्रोमिनेंट हो गई है, उसी तरह से पूरा बॉडी में स्वेलिंग आता है, रक्ताल्पता हो जाती है, एचबी बहुत कम हो जाता है, बीपी कभी ज्यादा होता है कभी कम होता है, सिस्टोलिक जो लब डब सिस्टोलिक जो साउंड है वह बहुत ज्यादा सुनाई देने लगता है, बहुत दीर्घ सुनाई देने लगता है, और क्रिपिटेशन ऐसे हार्ट में अगर सुनेंगे ना तो क्रिपिटेशन बहुत ज्यादा सुनाई देने लगता है। ऐसे जो ये कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर के पेशेंट हमारे पास आते हैं और एलोपैथी में इलाज नहीं है वो लोग डिजिटलिस से ही बोल रहते हैं, तो डिजिटलिस जिस चीज से बनता है वह मेडिसिनल प्लांट है हृदपत्री, उसी से एलोपैथी की दवाई बनती है डिजिटलिस, तो वही प्लांट का नाम ही है डिजिटलिस, आप लोगों ने फार्माकोलॉजी में पढ़ा होगा सारे में, तो हृदपत्री का चूर्ण या मार्केट में मिलता है वह दो दो रत्ती 250 mg चूर्ण सुबह शाम खिलाना है और या फिर 3 बार खिलाना है, हृदपत्री को जला के जो राख बनेगा तो उसका मशी कल्पना या शार इस तरह से भी मिलता है, वह भी 3 बार अगर दे दिया तो रोगी तुरंत ही सेटल हो जाता है। अटैक की भी कंडीशन है जब जिसमें बहुत सारा ये करना पड़ता है, आप लोगों ने देखा होगा रेस्टिट्यूशन जो करना पड़ता है, हार्ट में हार्ट पंपिंग एक्शन स्लो हो गया है तो वो लोग शॉक देते हैं हार्ट में, आप लोगों को मालूम होगा सांस जो है वह अच्छा करते हैं, तो ऐसे कंडीशन में भी अगर मतलब पेशेंट थोड़ा सेटल हो गया है तो हमने हृदपत्री का क्षार दे दिया या हृदपत्री का चूर्ण दे दिया तो बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर हार्ट बीट बहुत ज्यादा है मतलब हृदय गति बहुत ज्यादा है तो हृदयार्णव रस 500 mg मतलब 4 रत्ती की मात्रा में लेना है, और जहर मोहरा पिष्टी जो है वो 4 रत्ती की मात्रा में दोनों को मिला देना है, हृदयार्णव रस और जहर मोहरा पिष्टी, इसको अर्जुन पत्र के कषाय के साथ
अर्जुन का चूर्ण मिलता है उसके कषाय के साथ या अर्जुन के छाल के शीरपाक के साथ अगर दे दिया जाए तो हृदय गति जो तीव्र है वो कषाय रस की वजह से और हृदय दवाइयां है सब हृदय अर्णव रस जहर मुरा पिष्टी, तो हृदय गति जो है वो नॉर्मल हो जाती है ऐसा दिखता है। उसी तरह से श्वेत परपटी लेना है और हरित पाषाण भस्म या हरित प्रवाल पिष्टी, हरित पाषाण पिष्टी यह लेना है, यह भी मिलता है। इससे क्या होगा कि यह मूत्र प्रवृत्ति अच्छे से करता है और जो टैकीकार्डिया जैसी कंडीशन आ रही है जिसमें हृदय गति बहुत ज्यादा फास्ट हो गई है वह ठीक हो जाता है और बीपी भी नॉर्मल हो जाता है। इसी तरह से नागपाषाण करके एक दवाई आती है या फिर नागपाषाण जहर मोहरा पिष्टी को ही नागपाषाण बोलते हैं, तो वह चार रत्ती लेना है 500 mg लेना है, हजरल यहूद पिष्टी लेना है जिसको दगड़ी बदर बोलते हैं, मतलब हर जल युद्ध पिष्टी आप लोग इसमें देते हैं किडनी फेलियर में भी देते सॉरी किडनी स्टोन में भी देते हैं, हजरल युद्ध पिष्टी लेना है और जहर मोहरा पिष्टी लेना है 500 mg लेना है और मकर ध्वज लेना है और यह दोनों को चाटन देना है जीभ पर सबलिंगुअली देना है, तो हृदय गति जो ज्यादा बढ़ा हुआ है वो नॉर्मल पोजिशन में आ जाता है, पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से अगर ब्रैडीकार्डिया है मतलब हृदय गति बहुत स्लो हो गया है, ब्रैडीकार्डिया में पंपिंग एक्शन बहुत कम हो रहा है, पल्स रेट भी बहुत कम लग रहा है, ब्रैडीकार्डिया के लक्षण है, तो इसमें क्या करना है कि सिद्ध मकर ध्वज और जो बद्राश्म चूर्ण है जिसको हम लोग दगड़ी बदर चूर्ण मराठी में बोलते हैं या बद्राश्म चूर्ण, इन दोनों को मिक्स करना है। इसमें सिद्ध मकर ध्वज 500 mg मतलब चार गोलियां लेना है, चार गोलियां सिद्ध मकर ध्वज का और वो बद्राश्म चूर्ण एक रत्ती की मात्रा में लेना है, इन सबको मिक्स करके और फिर क्या करना है कि तृण पंचमूल के काढ़ा के साथ देना है। तो यह लेते ही तृण पंचमूल मूत्रल है और ये जो सिद्ध मकर ध्वज दगड़ी बदर चूर्ण है यह क्या करता है हार्ट को ताकत देता है और मूत्र प्रवृत्ति होती है और ये जब सर्कुलेशन होने लगता है मूत्र प्रवृत्ति होने लगती है तो जो ब्रैडीकार्डिया का कंडीशन है वह हार्ट नॉर्मल अवस्था में आ जाता है। जो सिद्ध मकर ध्वज है ना वो हृदय के लिए एक तो ओज बढ़ाता है, साधक पित्त पे अच्छा काम करता है, अवलंबक कफ पे काम करता है और हृदय की जो मांसपेशियां है उनको भी एकदम तुरंत ही ताकत देता है और सब लिंगुअली लिया ना क्योंकि कुपी पक्व रसायन है तो बहुत अच्छा फायदा करता है, तुरंत ही काम करता है। तो ब्रैडीकार्डिया की कंडीशन में आप लोग सिद्ध मकर ध्वज का प्रयोग करिए, दगड़ी पाषाण चूर्ण या बद्राश्म चूर्ण तृण पंचमूल के काढ़ा के साथ दीजिए। अगर बहुत ज्यादा वीकनेस आया है और डायबिटीज है ऐसा पेशेंट है और ब्रैडीकार्डिया है मतलब हार्ट का पंपिंग अच्छे से नहीं हो रहा है, ब्रैडीकार्डिया है और डायबिटिक पेशेंट है तो उसमें नागबला नाम की वनस्पति मिलती है या फिर बला वनस्पति का भी अगर आपने शीरपाक अगर पिला दिया और सिद्ध मकर ध्वज अगर दे दिया तो ब्रैडीकार्डिया बहुत अच्छा फायदा करेगा, ब्रैडीकार्डिया में बहुत अच्छा काम करेगा, इसको ध्यान में रखिए। सिद्ध मकर ध्वज देना बहुत अच्छा यहाँ पे उपयोगी रहता है, ये मैंने अपने सर के प्रैक्टिस में भी देखा है। इसके बाद में ये तो हमने इमरजेंसी में कर दिया, उसके बाद में पेशेंट को और अच्छा रिजल्ट देना है हमें, कंटिन्यू फिर उनको मात्रा बस्ते देना है, बृहद पंचमूल का काढ़ा देना है 250 cc का देना है और गोघृत उसमें 25 ml तक डाल के बृहद पंचमूल क्वाथ देना है। जब हम घृत डाल देते हैं 25 cc तो नीरू का व्यापक नहीं होता, इसको कंटिन्यू मात्रा बस्ती में देना है। मैं फिर से बताता हूँ, बृहद पंचमूल जो है उसका काढ़ा बनाना है या दशमूल का भी ले सकते हैं लेकिन बृहद पंचमूल जो लेंगे वो ज्यादा फायदा करता है, वो 250 cc लेना है और उसमें गोघृत डाल के उसको इमल्सिफिकेशन करना है। अगर क्योंकि हमें ना नीरू का भी व्यापक नहीं होना चाहिए और अनुवासन का भी व्यापक नहीं होना चाहिए, इसलिए दोनों को मिक्स कर दिया, मतलब काढ़ा को भी मिक्स कर दिया और इसमें घृत डाल दिया, उसको मथनी से मथ दिया और उसका कंटिन्यू बस्ती अगर दे दिया तो ब्रैडीकार्डिया में भी फायदा करेगा, टैकीकार्डिया में भी फायदा करेगा और कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में जब पेशेंट जा रहे हैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी या फेलियर में जा रहे हैं वो पेशेंट, उनको बहुत अच्छा फायदा होता है। हृदय के पेशेंट हमारे पास अभी बहुत बढ़ रहे हैं और वो लोग आयुर्वेद की तरफ देखते हैं कि क्या करना चाहिए, इस पर जो जो मैं बता रहा हूँ इसको आप दीजिए बहुत अच्छा फायदा होगा। इसी तरह से इसमें परहेज क्या बोलना चाहिए बहुत जानना बहुत जरूरी है, तो पानी जो है पानी को उबाल के 1 liter पानी का काढ़ा बनाना है, जैसे पानी को उबालते 1/4 कर दीजिए, केवल पानी को उबाल देना है, वह पानी जो रहता है वो तेज महाभूत प्रधान रहता है और वह तृष्णा को भी शमन करता है और यहाँ पर हल्का हो जाता है और अग्नि को भी प्रदीप्त करता है, आम का भी पचन करता है, इसलिए पानी का क्वाथ केवल पानी का क्वाथ बना के देना है बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पानी हिसाब से पीना है, ज्यादा पानी नहीं पीना है तो फिर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट रहते हैं उनमें बहुत अच्छा फायदा होता है। फिर मुद्ग यूज देना है या माश का यूज देना है या मतलब उड़ीद का
उड़ीद थोड़ा सा लेना है, पानी ज्यादा लेना है, उसको बॉईल करिए और उसमें फिर जीरा अजवाइन वगैरह डाल के छौंक डाल दीजिए और तड़का डाल के, और बस जो यूश रहेगा वह दीजिए, या फिर मूंग दाल का यूश देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। ऐसा रिसर्च में पाया गया है कि मुद्ग का यूज जो रहता है वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा रहता है। एक तो दीपन पाचन भी करता है और बल भी प्रदान करता है। एलोपैथी के हिसाब से देखेंगे तो कोलेजिन फॉर्मेशन करता है वो, मतलब जहां पर भी जख्म हो गया है, हीलिंग नहीं हो पा रहा है, वहां पे कोलेजिन फॉर्मेशन होगा तो वह जख्म जल्दी जल्दी भरेगा। तो इसलिए मुद्ग यूज जो है उसका बहुत ज्यादा सिग्निफिकेंस है। और मुद्ग यूज जो रहता है वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा फायदा होता है, जहां पर भी जैसे प्लेक फॉर्मेशन हो गया है। मूंग दाल और उड़ीद दाल दोनों का मैं बता रहा हूँ, उसका यूज बनाना है, मूंग दाल भी और या फिर ऑप्शन में उड़ीद दाल, दोनों दोनों का प्रयोग करने से बहुत अच्छा फायदा होता है। और ऐसा रिजल्ट आया है, हमारे सर जो हैं उनके पास पेशेंट ऐसे आते हैं कि हम हमको एंजियोप्लास्टी नहीं कराना है, या एंजियोप्लास्टी 2 बार हो चुका है, स्टेंट बैठा है, उसके बाद में भी ब्लॉकेजेस हो गए, तो ऐसे कंडीशन में आयुर्वेद क्या कर सकता है। तो मैंने अपने आंख से देखा है कि सर ने यही सब चीज दिया जो जो मैं बता रहा हूँ, वह सब देने से पेशेंट का ब्लॉकेज पूरी तरह से ठीक हो गया। और जो कोरोनरी आर्टरी वीक हो गई है, जहां पर स्टेंट बैठाना पड़ रहा है, मतलब कैल्सिफिकेशन होने से वॉल्व खराब हो गए, वह उनको भी ताकत मिल गई। और फिर बाद में पेशेंट अभी भी 30-30 साल से एकदम ठीक है, आयुर्वेदिक दवाइयां ले रहे हैं, ये परहेज पाल रहे हैं, एकदम ठीक है। उसी तरह से मौसम्मी का जो रस, स्वीट मेलन जो बोलते हैं, मौसम्मी का रस सुबह शाम देना है, और इसमें फाइबर भी जो पल्प होता है मौसम्मी का वह भी देना है, और उसका जूस पिलाना है, पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। उसी तरह से परवल जो रहता है, परवल की सब्जी देना है, उसमें धनिया और जीरा का छौंक डाल के परवल की सब्जी सुबह शाम हर टाइम खिलाना है, तो तिक्त रसात्मक ये सब्जी रहती है वो हार्ट के लिए बहुत अच्छा उपयोगी रहती है। इसी तरह से पालक देना है, सफेद प्याज देना है, सफेद पांढरा कांदा जो बोलते हैं मराठी में, सफेद प्याज देना है, पालक का सब्जी देना है, अदरक देना है, लहसुन देना है, जीरा लवंग अजवाइन जायपत्री, ये खाने में ज्यादा से ज्यादा यूज करना है। मैं फिर से बताता हूँ, पालक का यूज करना है ज्यादा, सफेद प्याज रहता है वह देना है, अदरक लहसुन जीरा लवंग अजवाइन जायपत्री, इसका प्रयोग ज्यादा से ज्यादा करना है। और पेशेंट को ज्यादा से ज्यादा विश्रांति लेने के लिए बोलना है, रेस्ट ज्यादा जरूरी है, तभी कंजेस्टिव हार्ट फेलियर के पेशेंट है वह ठीक हो जाते हैं और पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। अगर इसको ध्यान में नहीं दिया जाए तो हृदय शून्यता हो जाती है, हार्ट बंद हो जाता है, हार्ट अटैक आके पेशेंट मर जाते हैं, और किडनी डैमेज भी होने का चांसेस रहता है। तो हमें इसीलिए यहाँ जो मैं तृण पंचमूल का काढ़ा बता रहा हूँ, हजरल यहूद भस्म वगैरह सब बता रहा हूँ, ये डॉक्टर प्रभात जी बोल रहे हैं ब्लॉकेज के लिए भी वही मात्रा बस्ती देना है। मैंने प्रभात जी, मैंने ऐसे खुद प्रैक्टिस में भी देखा है, किया है, और सर के पास भी देखा है। 12 साल मैं सर के पास रोज जाता था अपना प्रैक्टिस बंद करके, और दिन में सर का लेक्चर सुनने के लिए जाता था। सर का लेक्चर रोज 12 से 1 बजे तक होता था, या कभी कभी 1 से 3, तो मैं रोज जाता था, वहां भी पेशेंट देखा है। उनको अगर मात्रा बस्ती दिया दशमूल काढ़े का, उसमें घृत डाल के दिया, या कभी कभी सर ने ऐसा किया कि दशमूल का काढ़ा दिया बिलवादी क्वात, दशमूल का काढ़ा का बस्ती, और दूसरे दिन धन्वंतर तेल का बस्ती, ऐसे कंटिन्यू दिया, पेशेंट का पूरा तरह से ब्लॉकेजेस ठीक हो गया। और पेशेंट को दीपन पाचन दिया, मुद्ग यूज दिया, चावल का मंड दिया सुबह और शाम, और एक ही टाइम खाना खाना है, एक काल भोजी, ऐसा पेशेंट ने किया, उनके पूरे तरह से ब्लॉकेजेस ठीक हो गए। और हृदय को ताकत देने वाली दवाइयां जैसे नागार्जुन रस, प्रभाकर वटी और हृदयार्णव रस, ये दिया सर ने, और श्रृंग भस्म, और सर का एक फॉर्मूला है हृदरोग फॉर्मूला, वो मैं आप लोगों को दे दूंगा, शाम को दिखा दूंगा। तो हृदरोग फॉर्मूला सर सभी पेशेंट को देते हैं, और श्रृंग जो रहता है 12 सिंगा का श्रृंग वो मिलता है, श्रृंग भस्म भी मिलता है, 1200 रुपए का कितना है मैं आपको बताऊंगा, वो अभी अवेलेबल है अभी सर के पास। तो जमदग्नि सर ना श्रृंग को लेके ऐसे बोलते थे, इतना इतना टुकड़ा देते थे, और वो भी ऐसा नहीं है कि श्रृंग को मार दिया, 12 सिंगा को मार दिया, हिरण को मार के, ऐसा नहीं, जो मरे हुए प्राणी वो अफ्रीका से सब सर के पास आते हैं लीगल काम से, सर ने ऐसे किया, तो सर क्या करते हैं कि इतना टुकड़ा दे देते हैं, और बोलते हैं कि जिस तरह से चंदन घिस के हम लोग भगवान पे लगाते हैं, विष्णु भगवान पे, उसी तरह से उसको ना पानी डाल के उसको घिसना है, और उसको 1 चम्मच तक करना है, और उसको चाटना है, रोज ऐसा चाटेंगे ना तो हृदय पे बहुत ज्यादा ताकत आती है। इसी तरह से श्रृंग का भस्म भी मिलता है, वह कितने में है मैं आप लोगों को ग्रुप में बता दूंगा। तो ये आप हार्ट के पेशेंट को दीजिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है, बहुत अच्छा। उसी तरह से हृदय को बल देना है, हार्ट को ताकत देने के लिए कुछ दवाइयां हैं। अगर
अपचन है पेशेंट को, हमें अब पूरी तरह से डायग्नोस करना है कि पेशेंट को अपचन है, आम उत्पत्ति है और वह कंजेस्टिव कार्डियक फेलियर में पेशेंट जा रहे हैं, तो उसमें एलोपैथी के डॉक्टर्स जो रहते हैं वो डिजिटलिस डिक्सी कॉम ऐसे कुछ कुछ मेडिसिन दे देते हैं, लेकिन उनके पास इसका क्योर नहीं है। पेशेंट जब तक जिएगा जिएगा, कभी भी हार्ट अटैक आएगा, मर जाएगा, उनके पास नहीं है। वो बोलते हैं प्राणायाम करिए, सूर्य नमस्कार करिए, अनुलोम विलोम करिए, इतना तक करके, और बाकी उनके पास इलाज ही नहीं है। आयुर्वेद में बहुत अच्छा इलाज है, जो अपचन से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है उनको अजवाइन जरूर खाने के लिए देना है। वह अपचन में, क्योंकि दीप्यक जो है उसको दीप्यक बोलते हैं, अग्नि को प्रदीप्त करता है। कार्डियोमायोपैथी में भी, हाँ मैं उस पर भी आगे आ रहा हूँ, मैं उस पर भी बताऊंगा सर, मैं अभी हर चीज में बताऊंगा, हर चीज आयुर्वेद को पूरे विस्तार से, हार्ट डिजीजेस पे क्या होता है, फिर हम लोग किडनी डिजीजेस पे भी आएंगे, फिर हम लोग डायबिटीज पे भी आएंगे, ब्रेन के डिजीजेस पर भी आएंगे, जैसे बहुत बड़े बड़े अल्जाइमर्स में क्या करना है, पार्किंसन में क्या करना है, हमें मालूम ही नहीं होता कि क्या देना चाहिए। मैं आऊंगा, सभी पे आऊंगा। अति मैथुन से अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है, जैसे क्योंकि हम लोग ओज मानते हैं, ओज कहाँ रहता है, हृदय में आठ बिंदु रहता है और पूरा बॉडी में अर्धांजलि रहता है, तो अगर हृदय में ओज कम, अति मैथुन करने से कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है और पेशेंट देखे जाते हैं कि अति शुक्र का क्षय बहुत ज्यादा कर रहे हैं, कभी कभी तो इतना शुक्र का क्षय होता है कि मर जाते हैं हार्ट अटैक से, या फिर चिंता शोक क्रोध ये सबसे ना भी शुक्र का क्षय बहुत ज्यादा करते हैं, तो अति मैथुन से अगर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर हो रहा है तो आमलकी जो है, आंवला, आंवला का चूर्ण सुबह शाम रसायन की मात्रा में दीजिए, अमलकी रसायन दीजिए, इतना अच्छा फायदा होता है, इतना अच्छा फायदा होता है, उनका ओज बढ़ जाता है, हृदय को ताकत मिल जाती है और कंजेस्टिव हार्ट फेलियर रिवर्स हो जाते हैं, पेशेंट पूरी तरह से हार्ट ना पंपिंग करने लगता है, पेशेंट को बहुत अच्छा फायदा होता है। और ये सारी बातें ना कॉलेजेस में नहीं सिखाई जाती है, कॉलेज में अगर जो प्रोफेसर हैं उन लोगों ने कभी देखा नहीं, कभी सुना नहीं, तो वो लोग के पास ये सब का आंसर ही नहीं होता। ऐसे पेशेंट आते हैं तो वो रेफर कर देते हैं एलोपैथी डॉक्टर पास, और एलोपैथी में भी वो साइंस पूरी तरह से पूर्ण नहीं है, उसमें हम आयुर्वेद से अगर करें तो बहुत अच्छा फायदा होगा, क्योंकि आयुर्वेद का साइड इफेक्ट नहीं है। आंवला खिलाने से किसी को साइड इफेक्ट होता है क्या, या अजवाइन खिलाने से साइड इफेक्ट होता है क्या? बेसिक बेसिक चीजें हैं, इसको ऐसे सोच के देंगे तो बहुत अच्छा फायदा होगा। ये जो सर का नोट्स है, या आप लोग कभी मेरे पास आएंगे, अभी दिख रहा है कि नहीं दिख रहा, सॉरी दिख नहीं रहा, तो ये नोट्स ना मैं आप लोगों को दे दूंगा, तो ये बहुत अच्छा काम आता है। विद्या जितना बांटते हैं ना उतना विद्या बढ़ता है। मैं आप लोगों को ये सारा चीज, सारे नोट्स दे दूंगा। इसी तरह से एक्यूट लेफ्ट हार्ट फेलियर रहता है, या पल्मोनरी इडिमा रहता है, जो पल्मोनरी इडिमा रहता है या लेफ्ट हार्ट फेलियर के पेशेंट रहते हैं, तो उसमें एलोपैथी के मेडिसिन देते हैं वो लोग डॉक्टर्स, लेकिन वो उतना परमानेंट क्योर नहीं है। वो लोग बोलते हैं कि इरिवर्सिबल सेल डैमेज हो रहा है, डिजेनरेटिव चेंजेस आ रहे हैं, लेकिन आयुर्वेद ना वैसे पेशेंट को भी निकाल के परमानेंट ठीक कर सकता है। अब इसमें एक्यूट लेफ्ट हार्ट फेलियर के पेशेंट आ रहे हैं या पल्मोनरी इडिमा के पेशेंट आ रहे हैं, तो उसमें क्या क्या लक्षण होते हैं वह समझिए। अभी जो मैं पढ़ा रहा हूँ ना, ये मेरे लेक्चर को फिर से सुनिए आप लोग, और दूसरा बात, आप लोग मॉडर्न के भी जो एक्यूट लेफ्ट हार्ट फेलियर के पेशेंट है, वह भी सारे सिम्टम अपने बुक से पढ़ लीजिए, हैरिसन की बुक से पढ़ लीजिए, या एपीआई का जो भी बुक है आपके पास, डेविडसन वगैरह, उससे पढ़ लीजिए, तो आपको सारा चीज मिल जाएगा। उसमें बता रहे हैं कि रात में सोते टाइम यह एक्यूट लेफ्ट हार्ट फेलियर के पेशेंट को बहुत ज्यादा सांस लेने में तकलीफ होने लगती है, खांसी आके उसको वह उड़ जाता है सोते सोते, वात कफज, ऐसे कफ को बहुत ज्यादा चिकनापन आके कफ बहुत ज्यादा ऐसे निकलते निकलते खांसते खांसते उसको ऐसे उड़ जाता है। पल्मोनरी इडिमा भी है और एक्यूट लेफ्ट हार्ट फेलियर भी है। डॉक्टर तबरेज अली जी, आप जो बोल रहे हैं एकदम सही है। ये पीएनडी का फुल फॉर्म क्या है वो थोड़ा लिख दीजिए, क्योंकि सभी को समझ आएगा। गले में ना ऐसा कुछ तो अवरोधात्मक संप्राप्ति होती है, कुछ तो अटक रहा है, इस तरह का तकलीफ होने लगता है। उसी तरह से छाती में ना कफ और वातज, ऐसे ध्वनि आने लगती है, अगर ऑस्कल्ट करके देखेंगे ना तो वैसा ध्वनि आने लगता है। पेशेंट को एंग्जाइटी बहुत ज्यादा लगता है, हार्ट जो रहता है ना वो फेलियर में जा रहा है, एक्यूट लेफ्ट हार्ट फेलियर में जा रहा है, पल्मोनरी इडिमा है, तो भय की स्थिति बहुत ज्यादा रहती है, श्वास कृच्छता रहती है, मतलब सांस फूलने लगता है। इसी तरह से हृदय पाल्पिटेशन बहुत ज्यादा होता है, प्रॉक्सिमल नॉक्टर्नल डिस्निया, नॉक्टर्नल होता है, नॉक्टर्नल मतलब रात को जो होता है पल्मोनरी डिस्निया, सांस लेने में जो तकलीफ होती है उसको पीएनडी बोलते हैं, यह होने लगता है। फिर श्वास वेग ना धीरे धीरे कम होने लगता है, सांस ना ठीक से नहीं आ पाता, जिसको हम लोग ऊर्ध्व श्वास बोलते हैं, मतलब बहुत ज्यादा ऐसे तकलीफ होने लगती है, ऊपर ऊपर सांस लेने लगता है, ऐसा कंडीशन होने लगता है। तो यह ना अगर ये बहुत ज्यादा हो जाए, सांस और कम कम होते जाए, तो सीसीएफ जो है
कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की तरफ वो जाने लगा। इसमें पहले लेफ्ट एक्यूट लेफ्ट हार्ट फेलियर ऐसे कंडीशन से वो सीसीएफ में जाने लगता है। तो ऐसे में क्या चिकित्सा देना है यह जानना बहुत जरूरी है। और आयुर्वेद में 100% इलाज है। आज एलोपैथी साइंस जो है वो 250 साल पहले आया, उसके पहले तो एलोपैथी था नहीं, आयुर्वेद के ही था, पूरा आयुर्वेद ही आयुर्वेद था या फिर यूनानी पद्धति थी। तो आयुर्वेद के डॉक्टर सफल चिकित्सक होते थे उस जमाने में भी। तो क्या क्या मेडिसिन है जो मैं बता रहा हूँ ना, ये हमारे सर के पास 500 साल पुराने जो परंपरा से जो ज्ञान आया है। सर बोलते हैं कि मेरा भी ये नॉलेज नहीं है, ये तो परंपरा से आया है, यही मैं अपने विद्यार्थियों को दे रहा हूँ और मैं आप लोगों को दे रहा हूँ ताकि आप लोग का भी ऐसे पेशेंट जब आए तो आप लोग भी ऐसा ट्राई करिए, जैसे वो अनुरीता मैडम वहां पे करती है, आईसीयू में करती है पेशेंट को, ऐसा आप लोग भी ट्राई करिए। जब आपका पूरा हो जाएगा परफेक्ट प्रैक्टिस तो आप लोग ऐसे पेशेंट को भी अपने क्लिनिक में ले सकते हैं। या फिर ऐसे पेशेंट आते हैं जो एलोपैथी की दवाइयां खा रहे हैं तो उस साइड में आयुर्वेद भी दे दीजिए तो देखिए क्या फायदा होता है। तो इसमें श्वास का चिंतामणि और कस्तूरी भैरव रस ये 1-1 ग्राम की मात्रा में लेना है और हर आधा आधा घंटे में अदरक और मध के साथ, अदरक का स्वरस और मध के साथ चाटन देना है। तो एक्यूट हार्ट फेलियर के पेशेंट है, पल्मोनरी एडिमा है, वो सारे कंडीशन से उसको निकालने में बहुत आसानी होती है। श्वास का चिंतामणि रस और कस्तूरी भैरव रस 1-1 ग्राम की मात्रा में लेना है, हर आधे आधे घंटे में थोड़ा थोड़ा चाटन के लिए देना है। अदरक का रस और शहद के साथ देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से पुनर्नवाष्टक कषाय है, वो 40 ml सुबह 40 ml शाम को इस तरह से देना है। उसमें अगर गोमूत्र डाल दिया जाए तो गोमूत्र जो रहता है वो क्षारीय रहता है, आधो क्लेय देती पश्चात विशोषयति। गोमूत्र डालिए, जो लोग गोमूत्र अलाउड नहीं है, इस्लाम में अलाउड नहीं है गोमूत्र, कोई बात नहीं, पुनर्नवाष्टक को अगर दे दिया जाए 40 ml 40 ml, अगर गोमूत्र डालना है तो 20 ml ऐड करना है सुबह शाम अगर दे दिया जाए तो एक्यूट हार्ट लेफ्ट हार्ट फेलियर के पेशेंट को हम लोग रिकवर करने में बहुत ज्यादा आसानी होती है। उसी तरह से एक दवाई आती है शोथारी मंडूर, शोथारी मंडूर जो है वह भी पल्मोनरी एडिमा में बहुत अच्छा फायदा करता है। और वह कब देना है तो पित्त का काल जब शुरू हो रहा है तो 10 बजे देना है और दोपहर को 2 बजे देना है। किसके साथ देना है तो मुद्ग के यूष के साथ देना है, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। 10 बजे 10 AM को देना है और 2 PM को देना है, जो पित्त का काल रहता है शुरुआत में और अंत में। अगर शोथारी मंडूर को हमने मुद्ग यूष के साथ दिया तो लेफ्ट एक्यूट लेफ्ट हार्ट फेलियर के पेशेंट को हम लोग रिकवर कर सकते हैं। इसी तरह से और ऑप्शन में और दवाइयां बता रहे हैं, तो दशमूल का काढ़ा लेना है, उसमें पिंपली का प्रक्षेप डालना है और मोर मुंह थोड़ा थोड़ा सिप बाय सिप दिन भर पिलाना है। उससे भी एक्यूट लेफ्ट हार्ट फेलियर के पेशेंट को, या पल्मोनरी एडिमा है, एडिमा क्यों है, शोथ क्यों है पल्मोनरी एरिया में, क्यों है, क्योंकि कफ जमा है, क्लेद बहुत ज्यादा जमा है, तो वहां पर दशमूल जो रहता है वो क्लेद को भी दूर करता है, मूत्र प्रवृत्ति भी अच्छा करता है। पिंपली डाल दिया तो पिंपली जो है वो दीपन पाचन करता है, या मोर मोर देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। इसी तरह से छाती पे लेप लगाना है, जब एक्यूट लेफ्ट हार्ट फेलियर के पेशेंट है या पल्मोनरी एडिमा है तो क्या करना है कि अतसी जो रहता है, जिसको हम लोग हिंदी में तीसी बोलते हैं, अलस्सी बोलते हैं, अतस्सी बोलते हैं, 50 ग्राम लेना है। और जो ये जो रहता है ना आडू का जो रहता है उसको हिंदी में क्या बोलते हैं, आडू का जो कंद रहता है वह लेके उसको पीसना है और पका देना है, और पीसने के बाद पका के और उसका लेप छाती पे लगाना है। तीसी और जो आडू रहता है, अड़ू जिसका हम लोग साग खाते हैं वो क्षारीय रहता है, उसका लेप लगाने के लिए बोलते हैं। उसी तरह से पीठ पे भी लेप लगाना है, छाती पे भी लगाना है, पेट पे भी लगाना है, सब जगह लेप लगा देना है, इससे भी बहुत अच्छा फायदा होता है। इससे सूज कम हो जाती है, यूरिन ज्यादा बढ़ जाता है और हर 24 घंटे में पेशेंट को रिकवरी होने लगती है। और हृदरोग की फिर बाद में चिकित्सा करना है, जैसे हृदयारण्व रस, प्रभाकर वटी, ये सब देने से बहुत अच्छा फायदा होता है। नागार्जुनाभ रस, श्रृंग भस्म, हृदरोग फॉर्मूला, ये सब देने से फायदा होता है। इसी तरह से पेशेंट अगर एक्यूट लेफ्ट हार्ट फेलियर के पेशेंट आ रहे हैं, पल्मोनरी एडिमा है, ऐसे पेशेंट को 7 दिन तक, पहले 7 दिन तक लंघन कराना है, कुछ खाने को नहीं देना है। और क्या देना है तो गाय का दूध देना है, या मूंग दाल का सूप देना है, या चावल का जो मंड होता है जिसको हम भाताची पेज बोलते हैं यह देना है, भात का पेज मतलब जो गंजी बोलते हैं नॉर्थ इंडिया में वह देना है। 7 दिन तक अगर देते हैं ना तो हार्ट को बहुत आराम पड़ जाता है, क्योंकि हार्ट जो है ना वह कर पंपिंग कर करके थका हुआ रहता है, फेलियर में जा रहा है, तो उसको ना आराम चाहिए।
तो इसलिए गाय का दूध दे दिया। और इससे क्या होगा, लंघन जितना करेगा, गाय का दूध तो हम दे रहे हैं, बच्चे जो रहते हैं छोटे बच्चे तो वो तो दूध पी के ही रहते हैं, ऋषि मुनि भी तो दूध पी के रहते हैं, तो इसलिए गाय का दूध लेने से वीकनेस नहीं आएगा। मूंग दाल का अगर एलोपैथी के हिसाब से देखें तो प्रोटीन तो जाहिर है, तो मूंग दाल का जो सूप है यूश वो दे दिया, चावल का मंड दे दिया, तो बहुत अच्छा फायदा होता है। उसके बाद में श्वास का वेग जो है वह कम हो जाता है, पेशेंट को नींद अच्छी आ रही है, रात को सोते सोते उठ नहीं रहा, उसका सब स्टेबल हो गया है, तब एरंड मुलादी बस्ती जो है, यह जो आपने इसमें सिद्धि स्थान में बताइए, एरंड मुलादी बस्ती लेना है और उसको देना है, बहुत अच्छा फायदा होता है। 7 दिन तक करिए, बहुत पेशेंट को रिकवरी होने लगता है। इसी तरह से और भी बताना है, क्योंकि अभी 41 मिनट्स हो गए, हम लोग थोड़ा ब्रेक लेते हैं मुझे, क्योंकि हाइपरटेंशन के कंडीशन में क्या क्या हम लोग आयुर्वेद में दे सकते हैं उसका मैं नेक्स्ट में बताऊंगा। फिर इमरजेंसी जब रहती है, अरिथमिया रहता है, तब क्या देना चाहिए। मैं हर जो आयुर्वेद का है, एलोपैथी और आयुर्वेद, एलोपैथी के सिम्टम्स और आयुर्वेद की चिकित्सा, इसको किस तरह से हम लोग कोरिलेट करके सर ने बताया, ये मैं अगले लेक्चर में बताऊंगा। अभी आप लोग आइए और हम लोग संभाषण करते हैं जी। एक बार चेक करिए, आप लोग कर पा रहे हैं क्या? हाँ सर, सर नमस्ते। हाँ नमस्ते। एरंड मुलादी बस्ती कब देना चाहिए? एरंड मुलादी बस्ती जब आम का पचन हो गया है, लंघन मैंने बताया ना, जब लंघन हो गया है, गाय का दूध पे रखा 7 दिन तक आपने, फिर मुद्ग यूज दिया, उसके बाद में पेशेंट का जो श्वास कृचता है वो बैलेंस हो गया है, आम पचन हो गया है, वायु अनुलोमित हो गया है, तब एरंड मुलादी बस्ती देने से और फायदा होता है। क्योंकि एरंड जो रहता है ना, एरंड मूल, वो हृदय के लिए बहुत ज्यादा ताकत देता है, वायु की गति को अच्छा कर देता है, इसलिए एरंड मुलादी बस्ती। सर प्रणाम। सर प्रणाम जी, बताइए सर MSMR में क्या करेंगे सर? उसका फुल फॉर्म बताइए और क्या सिम्टम होते हैं बताइए। सर मिडल स्टेंसिस, मिडल रिग्रेशन। हाँ, उसमें क्या रहता है कि रस पाचक, रक्त पाचक, इसमें जो जो द्रव्य स्निग्ध द्रव्य हैं, जैसे पटोल, इंद्र, कुटकी, आप न द्रव्य गुण का किताब निकालिए और उसमें देखिए कि कौन कौन से स्निग्ध द्रव्य हैं, वह लेना है। और घृत कल्पना, जैसे महातिक्त घृत हो गया, गुगुल तिक्त घृत हो गया, सारे सर मेडिसिन के साथ अगर देंगे रस पाचक रक्त पाचक की दवाइयों को, तो मिट्रल स्टेनोसिस के पेशेंट में काफी हद तक फायदा होते हुए देखा है, रीजनरेशन होता है। इसी के साथ में नरसिंह रसायन जो है ना, मिट्रल वॉल को अच्छा कर देता है। स्टेनोस्ट है ना, इसका मतलब क्या है, स्टेनोस्ट की वायु की वजह से वो स्टेनोस्ट हो गया है। और सर हमारे ऐसे बताते हैं कि दशमूल काढ़ा का, सॉरी धन्वंतर तेल का या शीरबला तेल का मात्रा बस्ती दिया, तो धीरे धीरे स्टेनोसिस जो है वो ठीक होने लगता है, बहुत अच्छा फायदा होता है जी। और बताइए, इमरजेंसी के कंडीशन में तो हमें ऑपरेशन ही करना पड़ेगा, अगर पूरी तरह से स्टेनोस्ट नहीं हुआ है, अभी शुरुआत है, तब ये दे देंगे तो फायदा हो जाता है। और किसी को कुछ पूछना है तो पूछिए कृपया। सर माइट्रल वॉल्व का प्रोलाप्स जो होता है, वो सेम ट्रीटमेंट होगा, सेम लाइन ऑफ ट्रीटमेंट स्टेनोसिस जैसा होगा? हाँ, स्टेनोसिस जैसा होगा। और उसमें हृदय को बल देने वाली दवाइयां, जैसे हृदयार्णव रस, प्रभाकर वटी, नागार्जुनाभ रस, ये पूरे हृदय पे काम करते हैं, उनको बल देता है। या हृदय बस्ती दे दीजिए, तेल का हृदय बस्ती देंगे ना, जितना तेल एब्जॉर्ब होगा उतना मिट्रल वॉल्व का प्रोलैप्स ठीक होगा। प्रोलैप्स भी स्त्रंस, ब्रंस, व्यास, आपने किसी ने पूछा था कार्डियोमेगैली, वो बलून की तरह व्यास हो जाता है, उसमें भी बस्ती रहता है, तेल जितना डालेंगे वो कार्डियक मसल्स को ताकत आ जाती है। प्रोलैप्स है, स्त्रंस है, ब्रंस है, वायु की वजह से हो रहा है, सब ठीक हो जाता है। मैंने कार्डियोमेगैली के पेशेंट को ना 3 महीने बस्ती किया कंटिन्यू, पूरा कार्डियोमेगैली नॉर्मल साइज में आ गया, शीरभला तेल का मात्रा बस्ती कंटिन्यू 3 महीने दिया, 90 डेज का कोर्स बोला था, 90 डेज के बाद उन्होंने चेक कराया, हार्ट जो था ऐसा कार्डियोमेगैली हुआ था, पूरा नॉर्मल पोजीशन में आ गया। तो ये मुझे तभी विश्वास हुआ, सर के पास सुना था, देखा था, जब खुद किया ना तो तब लगा कि ये बलून की तरह फूल गया था, व्यास हो गया था, और हमने तेल दे के उसको नॉर्मल कर दिया, तो सच में फायदा होता है ये बस्ती से। सर हाँ सर, हृदय बस्ती में कौन सा ऑयल यूज करना है? वो आप धन्वंतर तेल यूज करिए, चंदन मला लाक्षादी तेल करिए, कोई भी तेल जाना चाहिए, तिल तेल यूज करिए जी। जी थैंक यू। और ब्लॉकेजेस में तो अदरक स्वरस का हम लोग करते हैं, बहुत अच्छा फायदा होता है, क्योंकि ना जितना हार्ट के जितने भी स्किन ऊपर है ना, वहां से अब्सॉर्ब होते हैं, तुरंत हृदय पे जाता है वो मेडिसिन, बहुत अच्छा फायदा होता है। सर PSVT में, सर इमरजेंसी में कुछ दे सकते हैं सर, जिससे उसका हार्ट रेट कंट्रोल में आ जाए? अगर है तो, अगर वहां पे रक्त वहीं फट गई है तो वहां तो इमरजेंसी करना पड़ता है,
कभी कभी ऐसे सिम्टम लिखते हैं कि हार्ट में ये हो गया, बस्ट हो गया, रक्तवाहिनी फट गई है, और एसिडिटी जैसे सिम्टम होते हैं। अब जैसे वो निगम सर के एक पेशेंट थे, वो तो कलेक्टर थे, तो उनको एसिडिटी जैसा सिम्टम आ रहा था, तो सर ने ऐसे बता दिया अजवाइन वगैरह दे दीजिए, लेकिन वो पेशेंट को हार्ट अटैक आया था वहां पे, वो पेशेंट की डेथ हो गई बाद में। ऐसा तो करना नहीं चाहिए, हमें तो पूरी तरह से चेक करके देना चाहिए। अगर हाइपर एसिडिटी है और इमरजेंसी की कंडीशन है, अब यहाँ पर हाइपर एसिडिटी है तो वहां पर हमें सुचेकर रस दे दिया, प्रवाल पंचामृत दे दिया, शंख भस्म दे दिया, प्रवाल पिष्टी दे दिया, उससे तुरंत फायदा होता है। इसके बाद भी अगर फायदा नहीं हो रहा है तो आप डॉक्टर के पास भेजिए, वो पूरा एक्सरे करके चेक करके देखते हैं कि हार्ट में ईसीजी निकाल के देखते हैं कि हार्ट अटैक तो नहीं आया, क्योंकि वैसे ही जलन जैसा सिम्टम दिखता है उसमें भी। गैस्ट्राइटिस में सर सेम सेम जैसा ही वो होता है दोनों में। हाँ, तो डिफरेंशियल डायग्नोसिस करना बहुत जरूरी होता है। हाँ जी सर जी। और बताइए आप लोग एएफ में सर कुछ है सर इमरजेंसी में? आप उसका फुल फॉर्म बताइए, क्योंकि मुझे भी समझ है। एट्रियल फिब्रिलेशन पे मैं आगे लेक्चर बताने वाला हूँ ना, आप सुनते रहिए हर संडे को। एट्रियल फिब्रिलेशन पे बहुत अच्छा बताने वाला हूँ, साइनस टैकीकार्डिया, साइनस ब्रैडीकार्डिया, सब पे लेक्चर लूंगा मैं, उसको विस्तार से बताऊंगा। फिब्रिलेशन अगर हो भी रहे ना तो उस पे क्या फिब्रिलेशन हो रहा है, तो वहां पे भी बस्ती का ही बहुत अच्छा रोल रहता है। अर्जुन घृत अगर दे दिया जाए, और घृत फिब्रिलेशन हो रहा है मतलब उसकी गति वायु की वजह से फड़क रहा है, वो फड़क रहा है, तो वहां पे बस्ती का ही बहुत अच्छा रोल रहता है, ज्ञान वायु की विकृति रहती है वहां पे। आम का पचन करना है, दीपन पचन करना है, और हाइपरट्रॉफिक कार्डियोमायोपैथी, इसमें भी हाइपरट्रॉफी जो हुआ है ये भी वायु की वजह से हो रहा है। कार्डियोमायोपैथी मतलब कार्डियक मसल्स में मायोपैथी हुआ है। यहाँ पर हृदय पे काम करने वाली दवाइयां और घृत कल्पनाएं देनी है, जैसे अर्जुन घृत दे दिया, और जो मैं बार बार बोल रहा हूँ ना, नागार्जुन अभ्ररस, हृदयार्णवरस, प्रभाकर भट्टी, ये धीरे धीरे काम करती है। सूक्ष्म त्रिफला भी मायोपैथी में बहुत अच्छा काम करती है, उसका प्रयोग करें, बस्ती दे तो बहुत अच्छा फायदा होता है। एरंड पाक का भी अच्छा काम होता है, जहर मोरा पिष्टी, इसका भी बहुत अच्छा काम। जहर मोरा पिष्टी तो हृदय रोगों में बहुत बेस्ट है, आप लोग देखिए उसका कैसे गुणधर्म है जी। डॉक्टर दीप्ति जी आप कुछ बताएंगी क्या? डॉक्टर दीप्ति जी हैप्पी रक्षाबंधन। सर लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में क्या देंगे? लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी जब रहती है तो उसमें यही सब जो दवाइयां मैं बता रहा था वही सब देना है, जैसे मैंने बताया ना कि मैं लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में बताऊंगा। अभी तो मैंने एक्यूट लेफ्ट हार्ट फेलियर का बताया, हाइपरट्रॉफी में भी मैं बताऊंगा, उसमें बस्ती का ही ज्यादा रोल रहता है, जैसे दशमल काढ़ा और धन्वंतर तेल का बस्ती से ही बहुत काफी हद तक वो ठीक हो जाता है। इसमें इडिमा भी रहता है, पैरामिड स्वेलिंग भी रहता है लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रॉफी में, उसमें मूत्रल दवाइयां, शोधक में दवाइयां, ये सब देना पड़ता है। डॉक्टर आकांक्षा जी आप कुछ बता रही है? सर, नमस्ते सर, प्रणाम आपको, हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू सर, आपको भी बहुत बहुत शुभकामनाएं। सर मैंने तो अभी केसेस देखे नहीं है बहुत ज्यादा, मैंने भी सर के पास सुना ही था, लेकिन अभी प्रैक्टिस आपसे बहुत कम है, इसलिए जैसे जैसे केस आएंगे मैं डेफिनेटली इस पे वर्क करूंगी। और एलोपैथी की दवाइयां तुरंत बंद नहीं करना है, एलोपैथी की चलते रहे साइड में, अपना धीरे धीरे। बिल्कुल, ओके, थैंक यू सर। ओवर कॉन्फिडेंस में उल्टे पुलटे काम मत करिए, बिल्कुल, मेडिकल लीगल केसेस हो जाएंगे आपके। राइट, और बताइए कोई, और बताइए डॉक्टर बीरमती जी, डॉक्टर गौरव कुमार जी, आपने कुछ ऐसे ट्राई किया है मेडिसिन? डॉक्टर विकास कुमार जी प्रणाम सर। प्रणाम, बताइए सर। सर मैं ये पूछ रहा था, इसमें अनुवासन बस्ती भी देना है या हृदय बस्ती ही देना है? हृदय बस्ती भी देना है, मैंने बताया ना, मात्रा बस्ती, अनुवासन बस्ती देना है, मात्रा बस्ती में दीजिए, तेल का अजीर्ण न हो जाए, मात्रा बस्ती 50 ml 100 ml इस तरह से, 100 से ज्यादा मत करिए। हाँ, 70 ml 80 ml जितना पेशेंट को एब्जॉर्ब हो उतना ही लेना जी। डॉक्टर दीप्ति जी बताइए। मैडम जी जी प्रणाम सर, आपको हैप्पी रक्षाबंधन। थैंक यू सर। सर डायबिटिक पेशेंट है अगर, और ब्लॉकेजेस है उनको, अगर दाह हो रहा है हस्तपाद दाह, तो उसमें क्या देना चाहिए, क्योंकि उसी रस तो डायबिटिक पेशेंट में दे नहीं सकते। एक तरह सात्विक जितने द्रव्य हैं वह पहले दे, दाह का लक्षण कम करें,
में पटोल इंद्रव कुटकी है ना, रस पाचक रस पाचक वो सब हाँ। और पित्तज रोग है वो, अगर मतलब लक्षण अगर उनके अच्छे हो गए हैं लेकिन हमें फिर स्नेहपान कराना है तो उनमें कौन सा घृत अच्छा रहेगा? वासाघृत तो सबसे बेस्ट है, वासाघृत है, महातिक्त घृत है, गुगुल तिक्त घृत है, सुकुमार घृत। लॉन्ग लॉन्ग टाइम तक घृतपान करा सकते हैं ना? हाँ, अग्नि अच्छा है तो वो घृतपान करें। हाँ हाँ, कारण वही था उनका, अग्नि से ही कारण था, वो सब अच्छा है, बट बस्ती लेने के लिए तैयार नहीं है तो बस स्नेहपान, ताकि आर्टरीज वेन्स को मतलब लुब्रिकेशन मिलते जाए, इसलिए घृतपान कंटिन्यू करा सकते हैं ना। हाँ, चार चार चम्मच दिन में तीन बार या दो दो चम्मच दिन में तीन बार। जी जी जी, थैंक यू। और बताइए विकास कुमार जी। हाँ सर, चंदन बनाल शादी तेल का मैंने इसमें बहुत लाभ देखा है। कैसे बताइए सर, वस्ती देने पर जैसे उनका बीपी वगैरह है या घबराहट बेचैनी है, जो कुछ भी होता है वो सब रिलीफ हो जाता है। और एक चीज और देखता हूँ मैं, जैसे ज्यादातर पित्त की वजह से जैसे अटैक आ रहा है या कुछ इस तरह का घबराहट बेचैनी महसूस हो रही है, तो जैसे मुक्ता शक्ति पिष्टी वगैरह थोड़ा पित्त सामक जो दिया जाता है उससे बहुत रिलीफ महसूस हो जाता है। मुक्ता पिष्टी का बहुत अच्छा फायदा होता है जी, मुक्ता शक्ति पिष्टी का जी। नहीं होता है लोगों को, घबराहट होती है, टेंशन होता है तो जैसे लगता है वो अटैक आ जाएगा, इस तरह का कुछ होता है या कभी कभी आया भी होता है एक बार, तो इन लोगों को बहुत काफी रिलीफ इस चीज से होता है। जी सर, शीत विरेज हो है। डॉक्टर दीप्ति जी आप कुछ बताना चाहती हैं? हाँ सर, अगर पाल्पिटेशन का पेशेंट है, चाहे रुद्रोग की वजह से है या फिर किसी और कारण की वजह से भी एंग्जायटी पाल्पिटेशन है ना, तो उसमें जहर मोहरा का भी मैंने अच्छा रोल देखा है। हाइपरथायरॉइडिज्म का पेशेंट था जिसको ये सारे सिम्टम्स होते थे, हमेशा पाल्पिटेशन होता था, अगर वो मेडिसिन थोड़ा सा स्किप हो जाता है उनका तो एंग्जायटी हो जाती थी, सारे मेटाबॉलिक रेट्स बढ़ जाते थे, तो थोड़ा पित्त शमन द्रव्य प्लस जहर मोहरा अगर ऐड किया उसमें तो उसका भी मैंने अच्छा रोल देखा है। और अगर हाइपरटेंशन है, चाहे हार्ट फेल्यूर, हार्ट का कोई पेशेंट है और उसमें हाइपरटेंशन है, या फिर किडनी का पेशेंट है और हाइपरटेंशन की वजह से अगर फेल्यूर हो रहा है, तो उसमें भी वासा का कल्प का मैंने अच्छा रोल देखा है। मतलब बाकी सब दीपन पाचन बाकी सब करने के बाद मैंने वासा का रिष्ट दिया था, वासा रिष्ट दिया था, तो जो किडनी फेल्यूर का पेशेंट था उसका कभी भी 140 50 तक बीपी रहता था, मेडिसिन काफी कम हो चुके थे, चार एलोपैथी की जगह दो एलोपैथी के मेडिसिन चल रहे थे, लेकिन 140 50 दिए, लेकिन वासा रिष्ट स्टार्ट करने के बाद 10 दिन के बाद ही उसका अब तक 130 ही मेंटेन है बीपी, तो क्योंकि उससे अग्नि भी अच्छा हो रहा है, मैंने अरिष्ट दिया इसीलिए, और शायद वासा की वजह से भी फिर बीपी में अच्छा फायदा मिला। वासा का अरिष्ट दे दिया या क्वाथ दे दिया तो कोलैटरल बहुत अच्छे से बनाता है वासा, ऐसा पाया देखा गया है, कोलैटरल्स बनते हैं वहाँ, तो इसलिए मैं पित्त रोग में अरिष्ट नहीं देना चाहती हूँ, तो इसलिए मैंने सोचा कि वासा घृत का बीपी में भी फायदा मिलेगा और ब्लॉकेजेस भी। बहुत बढ़िया सर, इसका बीपी का जो फ्लक्चुएशन होता है ऊपर नीचे, उसमें ये जहर मोहरा का बहुत अच्छा उपयोग है। हाँ, बराबर आपने अच्छा बताया, बहुत अच्छा उपयोग होता है उसका। और ब्लॉकेज वाली बात है उसमें तो मैं वही इस्तेमाल करता हूँ, अदरक का जो घन बना के उसका, अदरक वो बहुत अच्छा है। अदरक का घन कैसे तो होता है सर? जैसे सत्व बनता है उसी तरह से, लेकिन इसमें जो सिर्फ नीचे का स्टार्च निकालते हैं ना, मैं उसका पूरा वो जूस निकाल के उसको सुखा के बनाता हूँ ऐसे करके जी। कभी बनाते हुए बहुत अच्छा काम करता है वो, में डालिएगा ना सर? सर डाल दूंगा, ठीक है सर डाल दूंगा, तो बराबर बनाता रहता हूँ मैं जी। और सर हाइपरटेंशन है और अगर किडनीज इन्वॉल्व है ना, तो जैसे आपने बताया ना तृण पंचमूल क्वाथ, तो वो भी इनिशियल स्टेजेस में अच्छा काम करता है, बाकी मेडिसिन के साथ तृण पंचमूल देंगे तो अच्छे से डायूरेसिस होते रहता है ना, तो बीपी की वजह से अगर किडनी फेल्यूर है या फिर हार्ट की वजह कोई प्रॉब्लम है, तो वो हार्ट का लोड किडनी पे का लोड अच्छे से कम होता है ना, तो हमें बीपी में चेंजेस अच्छे से दिखते, बाकी में भी एडिमा वगैरह में अच्छे फायदे मिल जाते हैं तृण पंचमूल से रिलेटेड है, तो रक्त पाचक मेद पाचक, क्योंकि रक्त और मेद से किडनी, हाँ उसके साथ जी। सर एक चीज पूछना है सर मुझे। हाँ बताइए, पूछिए सर। कभी कभी सर ऐसा होता है सर, कोई चेस्ट पेन लेके आया है, हमने उसका ईसीजी कराया सर, उसमें एक्यूट एमआई डायग्नोस हुआ है, और सर पेशेंट का कंडीशन ऐसा है उसको इमीडिएट, जैसे उसका सर बीपी भी कम है, और इमीडिएट उसको सर रेफर भी, मतलब भेजना तो आगे ही है सर उसको, लेकिन थोड़ा स्टेबल करके सर, उसमें आयुर्वेद में कुछ उस तरह का है सर जो उसको टाइम पे दे सकते हैं? दे सकते हैं ना, इसमें जैसे कस्तूरी भैरव रस है वो ले लीजिए, महालक्ष्मी विलास है, त्रैलोक्य चिंतामणि है,
ये सब दवाइयों हेमगर पोटली है, इसको पीस के और पीसने के बाद इसको चाटन देना है। चाटन देने से तुरंत ही हार्ट को अच्छा, कस्तूरी भैरव रस तो बहुत अच्छा काम करता है इसमें, या नागार्जुन रस, वैक्रांत भस्म, जो हार्ट पे काम करने वाले जो स्वर्ण कल्प है, कुपी पक्व रसायन है, उसको पीस के चाटन कराते रहिए। पेशेंट स्टेबल हो गया फिर उसके पास भेज दीजिए एलोपैथी डॉक्टर पास, ऐसा बहुत अच्छा फायदा होता है। आपको पता नहीं है अभी कोरोना के टाइम पे तो इतने पेशेंट आईसीयू आईसीयू में थे, मरने वाले थे, तो दीप्ति जी को पूछे उन्होंने कितने पेशेंट को निकाला ये सब ये कल्पों से। सर क्या क्या बताए, कस्तूरी भैरव रस, कस्तूरी भैरव रस हो गया, त्रैलोक्य की चिंतामणि हो गया, महालक्ष्मी विलास हो गया, स्वर्ण मालिनी वसंत हो गया, ये सब दवाइयां किस लिए है, सिद्ध मकर ध्वज हो गया, किस लिए बनाई है, ये तुरंत ही ताकत देती है, मतलब हृदय में जो ओज रहता है उसको ताकत मिलती है, तुरंत ही पेशेंट को निकाल देती है वहां से, वो कंडीशन से निकाल देती है, फिर आप बाद में एलोपैथी डॉक्टर पास भेज दीजिए। थैंक यू सर। कार्डियो प्रोटेक्टिव रहती है ये सारी दवाइयां जी। डॉक्टर कंचन जी आप थोड़ा पतंजलि के बारे में बताइए, पतंजलि में ऐसे पेशेंट आते हैं तो आप क्या देती हैं कंचन जी? हाँ सर, आपने जैसे बोला ना तो योगेंद्र रस भी बहुत अच्छा काम करता है इस पे। हाँ मैं यहाँ पे अर्जुन क्वार्ट्ज का शीरपाक यूज करती हूँ, झारमोर पिष्टी, संगेशो पिष्टी, अकीक पिष्टी, मोती पिष्टी, इसका पूरा कॉम्बिनेशन मतलब योगेंद्र रस डाल के उसको यूज किया जाता है। और हृदयामृतवटी भी यूज करते हैं हम लोग, उसमें अर्जुन छाल है, मोती पिष्टी और निर्गुण विरासना, पुनर्नरवा, चित्रक, ये सबका कॉम्बिनेशन है तो वो भी बहुत अच्छा काम करता है। और सर ऐसे पेशेंट है जिनकी हार्ट फंक्शन 15 रहती है, वो 3 से 4 महीने में आराम से 50% तक बढ़ जाती है। और मतलब एलोपैथी जैसे बोलता है कि नहीं इसको सर्जरी कराना है, तो ऐसे भी पेशेंट काफी हद तक बच जाते हैं। मतलब तो कोई कोई पेशेंट का तो जिंदगी बचा दिया होगा अभी तक। 1 लाख का तो नहीं सर, पर बहुत सारों का तो 100% बचाया, क्योंकि उनके कोलैटरल्स डेवलप हो जाते हैं सर, वो ब्लॉकेज फिर से है या नहीं है, तो ऐसे कंडीशन के पेशेंट रहते हैं, बहुत गरीब रहते हैं कि उनको फिर से एंजियोग्राफी कराना भी पॉसिबल नहीं रहता है, तो वो पेशेंट एटलीस्ट उनको दिख रहे हैं हमारे सामने 5-6 साल से नॉर्मल है, तो मतलब वो कोलैटरल डेवलप हो जाती है या फिर उसकी ब्लॉकेज पूरी तरीके से नॉर्मल हो जाती है। अभी तक तो किसी ने फिर से एंजियोग्राफी करके नहीं देखा, पर फिर भी ऐसे दिखता है कि नहीं एकदम नॉर्मल है सब, मतलब जो नॉर्मल रूटीन काम कर रहे हैं, उनको ब्रेथलेसनेस नहीं है, पूरी तरीके से नॉर्मल है। मतलब ऐसे काम कर रही है मैडम, कितना पुण्य का काम है। थैंक यू सर जी। हाँ प्रभात जी पूछिए। मैडम और एक बार रिपीट कर देंगे वो जहर मोहरा की मुक्ता वाला? जहर मोहरा पिष्टी है, उसमें 5 ग्राम पतंजलि का है ना ये सब? हाँ सर, संगेशो पिष्टी, अकीक पिष्टी, मोती पिष्टी, योगेंद्र रस आप 3 ग्राम तक ऐड कर सकते हैं उसमें, अगर नॉर्मल लगता है आपको कंडीशन सब तो 1 ग्राम ऐड करिए। पूरे महीने का कॉम्बिनेशन बनाते हैं हम लोग, 60 पुड़िया पूरी, और इसको सुबह शाम दिया जाता है खाली पेट। जैसे सर आप बोल रहे थे ना कि एकदम कंडीशन अच्छी नहीं है, तो मैं इसे मुर मुर भी चटाती हूँ, जैसे योगेंद्र रस है उसमें तो जैसे पुड़िया थोड़ी सी ज्यादा बना के, मतलब 60 है तो 90 बना के 90, तो उसको सुबह दोपहर शाम ऐसे 3 से 4 बार चटाते हैं तो भी बहुत अच्छा फायदा दिखता है सर जी। बहुत बढ़िया, आप लोग हैं इसीलिए तो आयुर्वेद इतना अच्छा कर रहे हैं, आयुर्वेद के वैद्य लोगों ने ही तो आयुर्वेद को इतना बढ़ाया है, आप लोग ऐसे ही करते रहिए, बहुत अच्छा कर रहे हैं सर। हृदयामृत वटी में हीरक भस्म भी ऐड है उसमें, इसलिए उसमें उसका रोल, तो उसमें क्या हीरक तो है वो ताकत देता है रसायन। हाँ, और अच्छा रोल करता है। हाँ वैद्य गरिमा गुप्ता जी कुछ बोलना चाहती हैं और डॉक्टर अशोक मित्तल जी भी कुछ बोलना चाहते हैं जी। सर नमस्कार सर, आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं, बधाई आपको। आपको भी बहुत बहुत सर जी। सर मैं ये पूछ रहा था एक कोरोनरी थ्रोम्बोलिज्म होता है उसमें किस तरह से अपन ट्रीट करते हैं, क्योंकि उसमें रेगुलरली क्लॉट आते रहते हैं, रेगुलरली अटैक आते रहते हैं। मैंने शुरुआत में यही बताया ना, मैंने कुछ कुछ बताया कि जब क्लॉट वगैरह आते हैं, मेरा ये लेक्चर फिर से सुनिए मैं तब भी आपको बता देता हूँ। तो इसमें कुछ कुछ दवाइयां हैं जिसको हिंगवादी चूर्ण बोलते हैं, तो ये मैंने पिछले लेक्चर में बताया था, इसमें हिंग 1 भाग, वचा 2 भाग, करचूर 3 भाग, कोष्ठ 4 भाग,
हींग वादी चूर्ण होता है। फिर से बोलता हूँ, हींग एक भाग, वचा दो भाग, करचूर जो रहता है वो तीन भाग, कोष्ठ चूर्ण चार भाग। यह मिक्स करना है और इसको सुबह शाम एक एक चम्मच देना है दशमलव ऋषि स्थान। तो इसे थ्रोम्बोलिज्म जो है वो पूरी तरह से डिजोल्व हो जाता है। उसी तरह से पुष्कर मूल, कुष्ठ, कचोरा, हींग ये बहुत अच्छा काम करता है। पुष्कर मूल और बात कुलांतक रस ये बहुत अच्छा काम करता है। ये सब करिए, बहुत अच्छा रिजल्ट आता है। थैंक यू सर, थैंक यू सर। हाँ, और मैंने एक और चीज बताया, शुरुआत में बताया कि सुरसादी गण की दवाइयां वह दे सकते हैं, और कटु और तिक्त स्कंद की दवाइयां वो बहुत अच्छा काम करता है। और मैंने एक फॉर्मूला बताया, पिपली, पिपली मूल, गज पिपली, अजवाइन, चव्य, अदरक, कुष्ठ, भल्लातक, लहसुन, शिग्रु और तुलसी, इनमें से कोई भी द्रव्य यूज करेंगे तो जो इकोस्प्रिन और वारफरिन ले रहे हैं वो लोग, ब्लड थिनर, तो ये ज्यादा अच्छी दवाइयां हैं, उससे अच्छी दवाइयां ये हैं, सेफ है, मतलब कभी भी थ्रोम्बो एम्बोलिज्म वगैरह नहीं होता है। थैंक यू सर, थैंक यू। वैद्य गरिमा गुप्ता जी, आपको रक्षाबंधन की बहुत बहुत शुभकामनाएं मैडम जी, बधाई आपको। सर आपको भी बहुत बहुत बधाई हो, शुभकामना। प्रणाम सर। सर मैं कुछ अपने बारे में बताना चाह रही हूँ। मैं कई दिन से क्लास भी नहीं अटेंड कर पा रही हूँ, डिस्टर्ब चल रही हूँ, क्योंकि जो है हमारी आईज में तकलीफ दिया, मुझे बताइए क्यों डिस्टर्ब चल रही है। सर मुझे जो है सिर में कुछ अजीब अजीब सा लगता है, कानों में कुछ अजीब अजीब सा लगता है, मुझे लगा कि कुछ वातज है प्रभाव, तो मैं अश्वगंधा ले लेती थी तो आराम आ जाता था। और उसके अलावा मैंने फिर कमर में, पैरों में बहुत दर्द था तो मैंने कटिवस्ती भी कराई। फिर उसके बाद पता डॉक्टर साहब क्या होने लगा, अचानक से हमारी आईज में जो नीचे के उसमें जो नसें होती हैं वो बहुत ज़्यादा रेड हो गई, और पता मुझे लगा कि वो फूट जाती थी। और उसके बाद उसमें जो है वो रेडनेस बहुत आ जाती थी और अजीब सा इचिंग सा होने लगा। फिर मुझे लगा शायद कहीं मेरा शुगर तो नहीं बढ़ गया, उस दिन मैं आपसे पूछ ही रही थी शुगर की दवाई। तो उसके बाद क्या हुआ, फिर मैंने हॉस्पिटल गई, आई के डॉक्टर को दिखाया, चेक कराया, तो फिर शुगर उगर दुनिया भर सब टेस्टिंग उन्होंने लिखी, अभी आई नहीं है। और मुझे इतना तकलीफ था, फिर उन्होंने मुझे जो ड्रॉप लिखे उससे मुझे कोई आराम नहीं आया। तो मैंने सोचा मुझे कुछ अजीब सा हो रहा है, तो मैंने सोचा फिर एसटी मधु से लाओ मैं आई वॉश करती हूँ, शायद उससे मुझे आराम मिला। तो मैंने थोड़ा सा एसटी मधु लिया और उसमें ग्लास में भिगो दिया, और उसके बाद ऊपर ऊपर जो पानी था उसे मैंने चम्मच में लेके अपनी आँखें उसमें बार बार आँखें खोली और बंद की। तो डॉक्टर साहब उससे मुझे इतना, जो डॉक्टर मैं आई के डॉक्टर से दवाई लाई थी उससे मुझे फ़ायदा नहीं हुआ, पर जो मैंने एसटी मधु के क्वाथ से धोया तो जहाँ जहाँ वो फूट रही थी नीचे और ब्लड जमा हो रहा था, डॉक्टर साहब वो इतनी जल्दी इफेक्ट आया और मैं बहुत अच्छे से, मुझे आराम मिल गया। अभी तो रिपोर्टें भी नहीं आई हैं और वहाँ पे, और मेरी आईज एकदम जो है अभी नॉर्मल सी हुई है। तो वही मैंने, वो संधान भी करता है यष्टि मधु, म्यूकोजल मेम्ब्रेन पे भी काम करता है, हीलिंग करता है, आपने बहुत अच्छा चीज यूज किया। हाँ तो वही मैंने सोचा, और उससे मुझे और भी जो आराम मिले वो भी मैं बता रही, जो मुझे कानों में वातज और बहुत ज्यादा अजीब सा लग रहा था, मैं मतलब सर, जैसे मैं उस दिन भी बताई थी मैं सर धोती हूँ तो मुझसे बिल्कुल भी रहा नहीं जाता, शायद शैम्पू या ऑयल जब तक ना डालूं। और कान में भी मुझे अजीब सा लगता है, मैं हर दूसरे दिन ऑयल डालती हूँ तब रह पाती हूँ। लेकिन जो एसटी मधु से मैंने आई वॉश कराया अभी तक मैंने तीन बार ही सिर्फ वॉश किया डॉक्टर साहब, और उसके बाद जो है मेरा जो ये ब्रेन में भी मुझे बहुत आराम मिली, और मैंने नाक में भी डाला दो दो बूंद। अच्छा। हाँ मैंने दो दो बूंद जो है नाक में भी डाला, उससे मुझे बहुत अच्छा लगा और मेरा ब्रेन भी शांत हुआ, आईज भी हमारी ठंडी हुई। और उसके अलावा जो मुझे कानों में बहुत वातज अजीब सा लग रहा था, कुछ घूमता रहता हो, और वो भी मुझे आराम मिला। तो वही मैंने सोचा कि शेयर कर दूं आप लोग के साथ, हो सकता है किसी का ऐसा अजीब सा प्रॉब्लम हो जो जल्दी सॉल्व ना हो रहा हो, तो इसे सुन के किसी को फायदा हो जाए। ठीक है, बहुत बढ़िया बताया आपने, लेकिन डॉक्टर साहब मुझे बताते रहिएगा। जी जी वही मैंने बताया कि अभी तो आई के डॉक्टर ने मुझे सिर्फ दो ड्रॉप लिखे थे, आप कहे तो मैं उसकी फोटो भी दिखाऊं, लेकिन जो है उससे मुझे कुछ भी फायदा नहीं हुआ। जी जी और आप हमारे ग्रुप में आ जाइए ना प्लीज, व्हाट्सएप ग्रुप में। सर जरूर आऊंगी, इधर तो मैंने कहा ना मैं इधर बहुत प्रॉब्लम में चल रही थी, और आपसे भी उस दिन बात की, उसके बाद फिर बात नहीं की क्योंकि आईज वाली बात थी, इधर उधर दौड़ रही, लेकिन उससे कोई लाभ नहीं मिला, लेकिन एसटी मधु से मुझे बहुत लाभ मिला। आप ना कुछ डिस्कवरी करके ठीक ही हो जाती हैं, या तो आप खुद कर लेंगे, मतलब कुछ ना कुछ कर ही लेती हैं आप आयुर्वेद में।
ये आपका बहुत अच्छा बात है। मैं कोशिश करती रहती सर, लेकिन मेरा आपसे एक रिक्वेस्ट है कि आप जो एक फॉर्मूला डायबिटीज के लिए बताते हैं तो बताएंगे तो मेरी थोड़ी हेल्प हो जाएगी। जी उसमें क्या है, गुड़मार है, बेलफल का चूर्ण है, कच्चा बेलफल का चूर्ण है, बेलपत्र का चूर्ण है, नीम की छाल है, नीम के पत्तों का चूर्ण है, फिर जामुन के बीज का चूर्ण है, करेले का चूर्ण है, फिर पुनर्नवा है, ब्राह्मी है, गुड़ुची है, ये सब है। इन सब से तो बहुत अच्छा फायदा होता है, ये हाँ लेते लेते ही शुगर लेवल नॉर्मल हो जाता है, कभी भी लेकिन पेशेंट सर एक हाइपोग्लाइसेमिक बात नहीं है, होता। लेकिन जी अगर सर गुड़मार का चूर्ण मैं ले लेती हूँ तो मुझे इतनी दाहा होती है कि मैं कम बहुत मात्रा परेशान। में लीजिए, नहीं तो गुड़मार हटा के गुड़ुची ले लीजिए, गुड़ुची ज्यादा ले लीजिए। अच्छा, क्योंकि मुझे गुड़मार बिल्कुल भी सूट नहीं करता, जब भी मैं लेती हूँ मेरे सीने में बहुत जलन होती है तो फिर मैं ये गुड़मार बंद कर देती हूँ। सर बेलपत्र तो मैं ले रही हूँ, बेलपत्र ताजा भी ले लेती हूँ, सुखा के वो भी ले लेती हूँ। और बाकी मैंने जो मुझे वाटर इफेक्ट लगता है सर, इसके लिए मैंने क्या किया हुआ है कि मुझे यूरिन में भी रहता है प्रॉब्लम, तो मैं गोक्षुर अश्वगंधा और हाँ गोक्षुर अश्वगंधा मैंने मिलाया हुआ है और वो मैं लेती हूँ। तो सर ये भी सही है, वाटर वाटर इफेक्ट को कम करेगा ना हाँ बराबर, सर। अगर इसमें हमें कॉन्स्टिपेशन रहे तो हम फिर इसमें हरीतिकी मिलाएं। की मिला दीजिए हाँ, या त्रिफला मिला दीजिए या अच्छा त्रिवित मिला दीजिए, जैसा कंडीशन है वैसा। जी। और सर आइस के लिए हम कुछ और कर सकते, वैसे अभी तो आइस के हमें लिए नॉर्मल बृहदवादकादि कषाय मैंने पढ़ाया था ना, कितना बढ़िया है वैशेष्य रत्नावली का, कौन सा बृहस्पति बृहदवादकादि कषाय। हाँ बृहदवासकादि का सर जी हाँ जी वैशेष्य रत्नावली में चक्षु रोगाधिकार में है, अच्छा बहुत अच्छा दवाई है, आंखों को वो आंखों का रोशनी अच्छा करता है। मेरे तो रिटिनल पिगमेंटोसा, रिटिनल डिटैचमेंट के पेशेंट ठीक हो गए हैं, बहुत आंखों पे बहुत अच्छा फायदा होता है। थैंक अच्छा अच्छा तो थैंक यू सर, वही मैंने यू सोचा कुछ डॉक्टर बताऊं। राजकुमार जी, आपने क्या लिखा है सर, LBBB, इसका वो फुल फॉर्म बताइए और क्या सिम्टम होते हैं, और अशोक प्रणाम मित्तल सर, जी आपको किताब मिल जाएगा, मैं भेज दूंगा, लेफ्ट बंडल ब्रांच ब्लॉक में क्या दे सकते हैं उस सर? पे मैं बताऊंगा, एक ही लेक्चर में नहीं हो सकता, क्योंकि ये कार्डियोलॉजी है ना, इसमें बहुत टाइम लग जाएगा, एक ही में पढ़ाऊंगा तो कंफ्यूजन होगा, गड़बड़ होगा, मैं ठीक है बताने सर, वाला था। जी मेरे को है ये प्रॉब्लम, मैं इसलिए पूछ रहा था। सर मैं आपको लिख के दे दूंगा, मैं ठीक लिख दूंगा, लेकिन ये क्लास है ना, इसमें टाइम लगेगा, पूरा अच्छे से बताऊंगा ना, एक एक सिम्टम एक एक लक्षण। ठीक है सर, थैंक यू। अभी हम ना सेशन बंद करेंगे, लेकिन हम आयुष दर्पण की जितने भी बहनें हैं माताएं हैं उनको ये डेडिकेट करते हैं एक सॉन्ग, वो सुन के फिर हम लोग
चलिए अब हम लोग ये सेशन बंद करते हैं। आप सभी लोगों को बहुत बहुत बधाई हो रक्षाबंधन का। अब हम लोग 8 बजे मिलेंगे इंटरेक्टिव सेशन में। सर आपको भी बधाई हो। हाँ थैंक यू थैंक यू।